हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल विवेक पांडे एकेडमी। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू रुईया कॉलेज विच इज़ लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र में ये कॉलेज है, मुंबई का बहुत ही फेमस कॉलेज है रुईया कॉलेज। आज के इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ रुईया कॉलेज के बारे में, यहाँ पर प्लेसमेंट कैसे होते हैं, कोर्सेस कौन से अवेलेबल है, सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ का एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जाना है मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वहाँ पर अपने आपको रजिस्टर करना है, फिर इस कॉलेज को सिलेक्ट करना है, प्री एडमिशन फॉर्म भरना है, और फिर आपको जाना है रुईया कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पर भी पूरा आपको फॉर्म भरना है। 100 रुपीज़ का फॉर्म रुईया कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर आपको भरना है। फिर उसके बाद आपका जब भी मेरिट लिस्ट, एक सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, जिस भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, उस मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपको फीस भरना है जिस भी कोर्स के लिए आपको और लेना है। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रुईया कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहला कोर्स है BSc अवेलेबल है, MSc अवेलेबल है, BCom अवेलेबल है, PGDM का भी एक कोर्स अवेलेबल है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमास होते हैं उसको PGDM बोलते हैं, वो भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। और यही 5-6 कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन हॉस्टल आपको कॉलेज के कैंपस में नहीं है, हॉस्टल घाटकोपर में है। आपको घाटकोपर स्टेशन जाना होगा, घाटकोपर में इस कॉलेज का हॉस्टल है। तो आपको ट्रेन से ट्रैवल करके, अगर आप कॉलेज अटेंड करने के बाद अगर आप हॉस्टल के लिए ऑप्ट करेंगे, तो आपको कॉलेज से हॉस्टल जाना होगा घाटकोपर स्टेशन में, जो मतलब आपको ट्रेन से ट्रैवल करना होगा 20-25 मिनट का आपको ट्रैवलिंग करना होगा हॉस्टल पे जाने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर BSc IT हो गया, BSc CS हो गया, और जो भी कॉमर्स के जो भी मतलब सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होते हैं उसमें, और MSc में भी प्लेसमेंट्स मिलते हैं यहाँ पर। BMA में भी थोड़ा बहुत किसी स्टूडेंट्स को मिल गया तो प्लेसमेंट मिलता है, पर BSc IT CS में और कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में 50-60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता है हर साल। और यहाँ पर 2-3 लाख का पर एनम का प्लेसमेंट, स्टार्टिंग प्लेसमेंट यहाँ से मिलता है कॉलेज से। आपको 3 लाख तक के पर एनम के प्लेसमेंट यहाँ पर आपको कॉलेज से मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं है, पर एक ठीक ठाक प्लेसमेंट ये कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ फैकल्टीज़ के बारे में। तो यहाँ के जो फैकल्टीज़ है वहाँ वो बहुत वेल एजुकेटेड है, सब PhD होल्डर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, नेट क्वालिफाइड, सब ने PhD किया है। बहुत ही अच्छा प्रोफेसर है यहाँ पर, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर वगैरह होते हैं सारे कोर्सेज के लिए। तो ये ऑनलाइन लेक्चर के हिसाब से, फैकल्टी के हिसाब से कॉलेज बहुत अच्छा है, और प्लेसमेंट भी यहाँ पर मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अटेंडेंस यहाँ पर कंपलसरी है कि नहीं। तो 75% अटेंडेंस जैसे कि सारे कॉलेजेस में होता है, वहाँ पर यहाँ पर भी अटेंडेंस कंपलसरी है, पर कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है अटेंडेंस के लिए। अगर थोड़ा बहुत अटेंडेंस कम होगा तो चल जाएगा, पर अगर आप कॉलेज ही नहीं जाएंगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में ही नहीं बैठने देंगे, ये भी हो सकता है आपके साथ। क्योंकि मतलब अगर आप एक भी दिन कॉलेज नहीं जाएंगे या आप बहुत कम कॉलेज जाएंगे तो आपको शायद एग्ज़ाम में ना बैठने दिया जाए, क्योंकि 75% अटेंडेंस हर कॉलेज में कंपलसरी होता है। तो आपको अटेंडेंस मेंटेन करना है आपके डिग्री में, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस हर कॉलेजेस की तरह यहाँ पर भी अटेंडेंस कंपलसरी है। तो अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर फॉर्म भर के, फिर कॉलेज का फॉर्म भर के बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिस भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा आपको फ़ीस भर के ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होने वाला है एडमिशन का। पर अगर आपको कोई बहुत ही बड़ा कुछ डाउट आ गया तो आप कॉलेज में विजिट कर सकते हैं अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए। अगर कुछ आपको फीस में प्रॉब्लम हो रहा है फ़ीस भरने में, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो आपको कट ऑफ वगैरह कुछ कोर्सेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो कॉलेज में जाकर आप ले सकते हैं। पर बाकी फ़ीस वगैरह सबको ऑनलाइन ही आपको सब कुछ भरने का है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर कॉलेज रिव्यू, करियर गाइडेंस और करियर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आते रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वीडियोस आते रहेंगे आगे भी फ्यूचर में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में।